हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ट्रिपल बीट। वेल दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला एक बार फिर हुए ट्रेंड। जी हाँ, और इस बार कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री में फिर दिखी एक नेपोटिज्म। जी हाँ, आज 6 साल हो गए हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए, लेकिन इस 6 साल में वरुण धवन और आलिया भट्ट को ही टैग किया धर्मा प्रोडक्शन ने, जिसके बाद फैंस डेफिनेटली काफ़ी भड़क गए हैं। बिकॉज सबने देखा था सिद्धार्थ का कैमियो था, और सब जब से सिद्धार्थ बिग बॉस में आए हैं तब से उनकी TRP काफ़ी हाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लोग ने टैग नहीं किया, जिसके बाद फैंस जो है वो भड़के। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्यार दिखाया सिद्धार्थ के लिए। जी हाँ, उन्होंने सिद्धार्थ को ट्रेंड किया, ना कि वरुण और आलिया को। एंड उन्होंने यही लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ को देख कहते हुए कि 6 साल पूरे हुए हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए। तो गाइस, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ इतने पॉपुलर होने के बाद भी, ट्रेंडिंग में वर्ल्ड वाइड होने के बाद भी, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग भी इतने पॉपुलर होते हैं लेकिन फिर भी नेपोटिज्म का शिकार होते हैं। जी हाँ, टैग उनको नहीं किया जाता बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में, और एक बार फिर करण जौहर ने उनके प्रोडक्शन हाउस धर्मा से सिद्धार्थ को नहीं टैग किया, जिससे आप देख सकते हो कि अभी भी नेपोटिज्म नहीं ख़त्म हुआ। जी हाँ, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं, स्पेशली जो टेलीविज़न के फ़ैन क्लब्स हैं, जो सिद्धार्थ को देखते हैं, जो बिग बॉस लवर है, वो काफ़ी अपसेट है जब धर्मा का ये ट्वीट उन्होंने देखा गाइज। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के फ़ैन क्लब ने सिद्धार्थ के लिए प्यार का कोई मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने सिद्धार्थ के लिए ज़रूर ट्रेंड किया हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। तो गाइज, आप लोग मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर, और क्या आपको लगता है कि वाकई नेपोटिज्म इंडस्ट्री से ख़त्म होगा जब फेमस सेलिब्रिटीज़ और फेमस टेलीविजन एक्टर्स जो हाउस होल्ड नेम बन चुका है आफ्टर बिग बॉस 13, सिद्धार्थ जैसे इंसान को लोग टैग नहीं करते। तो आप सोच सकते हो कि जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको कितना ड्यू मिलता रहेगा, उनको कितनी रिकग्नाइज मिलती रहेगी, उनको स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो हैं, जो सपोर्टिंग रोल्स हैं, उन्हें कितना लोग पहचानते रहेंगे। तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप कह सकते हो कि हमेशा लीड एक्टर्स को ही लोग प्रेज करते हैं, ना कि सपोर्टिंग टैलेंट्स को। तो गाइज, आप लोगों को जो भी कहना है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।